का HbA1c प्रायमेटिकली 11 से वो 6.2 आ गया था। मेरा नाम प्रवीण है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आई एम 38 इयर्स ओल्ड। फैमिली में फिलहाल 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, और मदर डायबिटीज की वजह से ही एक्सपायर हुई थी, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। तब से मुझे लगता है कि डायबिटीज को सीरियसली लेना चाहिए। HbA1c प्रायमेटिकली 11 से वो 6.2 आ गया था लास्ट जो मेरी रीडिंग थी, मतलब शुगर फिट लेने के 3 महीने बाद। मेरा खुद का जो वेट है वो अभी 74 है, पहले 89 नियर अबाउट 90 मान लीजिए। कमर का जो साइज वो 39 इंचेस थी मेरी, 34 है और मेरा टारगेट है इसको 32 तक लेकर जाना है। तो अभी मेरा मेडिकेशन हट 10% रह गया है, 90% मेडिकेशन हट चुकी। शुगर फिट का पैकेज लिया था, उससे पहले मैं दिन में करीब 15 से 16 रोटियां खाता था। एट प्रेजेंट मैं पूरे दिन में सिर्फ 4 रोटी खाता हूँ। अगर क्वांटिटी या मेरा जो खाने का जो प्लेट साइज है अगर उसको मेजर किया जाए तो मैं पहले से हेल्दी खाता हूँ, पहले जितना खाता था उससे ज्यादा खाता हूँ। अब मैं साइकिल चलाता हूँ और साइकिल छोड़ो मैं इंटर स्टेट साइकिल चलाता हूँ। तो रेवाड़ी शायद आपने नाम सुना हो, मेरे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं महीने में 2 से 3 बार चला जाता हूँ साइकिल से। पहले क्या था, पहले वही साइकिल थी, वही प्रवीण कुमार था, पहले थकान होती थी। अभी चूंकि लाइफस्टाइल अच्छी है, हेल्थ अच्छी हो गई है, तो अब वो साइकिलिंग है ना, थकान की जगह है ना उत्साह देती है, आनंद आता है, एनर्जी और फील होती है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में ना मेडिकल्स वगैरह भी होते हैं मैम, मतलब मेडिकल चेकअप वगैरह होते हैं, तो उसी चेकअप के दौरान मुझे पता चला था कि मुझे डायबिटीज है और उस वक्त भी मेरी आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 370 के आसपास थी फास्टिंग। तो हमारी जो जॉब प्रोफाइल है ना वो 9 से 5 वाली नहीं है, हमें ना देर रात तक बैठना होता है और कुर्सी पे ही बैठा रहना पड़ता है, अपने आपको ट्रीट कराने का भी टाइम नहीं मिलता। कई बार लाइफस्टाइल सुधारने के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा था। इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने शुगर फिट की इनका प्रमोशनल जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, फिर मैंने शुगर फिट का पैकेज लिया था और सेप्टेम्बर में लिया था, सेप्टेम्बर एंड में। मुझसे पूछा गया कि आपको क्या करना ज्यादा, वर्कआउट किस तरीके से करना पसंद करोगे, योगा करना है, तो मैंने मना कर दिया योगा नहीं करना, जो जिम्नेजियम है जो हार्ड एक्सरसाइजेस होती है मैंने वो भी मना किया। तो उन्होंने बताया कि आपको नॉर्मल जो फिजिकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, वर्कआउट है, अब वो करो। मैं 15 से 20 मिनट करता था और आज मैं डेली सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। उन्होंने हेल्प नहीं करी है, बहुत बड़ा फेवर किया है मेरा डायबिटीज रिवर्सल करने के लिए। डॉक्टर कंसल्ट करते हो महीने में 1 बार या 2 बार, ऐसे आप उनसे लगभग डेली, मेरी तो डेली ही बात होती है, आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, वो आपके हेल्थ कोच ही बताती है। कोई परेशानी हो खाने में, अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो उसको रिप्लेस करने के उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई ना, तो इसमें मेरी वाइफ की भी लाइफस्टाइल थोड़ी थोड़ी चेंज होती रही। अब नाउ शी इज आल्सो फीलिंग वेरी गुड कि हाँ बढ़िया। जैसे मैं सैलेड खाता हूँ तो पहले मैं अपना सैलेड खुद बनाता था और अभी मेरी वाइफ के लिए भी बनाता हूँ, वो भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। मैंने ना कॉलेज टाइम में भी कभी हुडी होती है ना, जो हुडी नहीं पहनती, तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा अब आप थोड़े यंग लगते हो, अब आप पहन सकते हो। तो मैंने लिटरली वो पहनी और मुझे खुद से फील हो रहा था कि ये शुगर फिट है ना सिर्फ आपका डायबिटीज रिवर्सल नहीं करता, मतलब मैं कहना चाहूंगा आपकी एज भी रिवर्स होती है थोड़ी सी। मतलब मेरी पहले की फोटोज देखोगे गाल है ना ऐसे होते थे, गोलगप्पा टाइप। मुझे देख के जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर है वो सैलेड वैलेड नहीं खाते थे, अभी वो सारी चीजें वही फॉलो करते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे 3 फ्रेंड्स हैं मैंने जिनको शुगर फिट का पैकेज खुद दिलवाया कहकर, मुझे लगता है कि मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया लेकिन मुझको गेन बहुत हुआ है, मतलब बहुत फायदा हुआ है।